हेलो फ्रेंड्स, तो जिंदा तो होना आप सभी। एक बार फिर से टुडेज फैक्ट में मैं आपके साथ हाजिर हूँ। 31 अगस्त को पूछे गए कमेंट सेक्शन में एक गर्ल ने जवाब दिया है और उन गर्ल का नाम है शीतल वर्मा। और आपके लिए एक और खुशखबरी है, अब से हम 5 चुनिंदा उन लोगों को चुनेंगे जो सबसे पहले कमेंट का आंसर देंगे। तो अगर आपकी बारी पहले नहीं आई तो अब तो जरूर ही आ जानी चाहिए। बढ़ते हैं अपने फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, समोसा तो आपने बहुत खाया होगा। क्या आपको पता है कि समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समोसे को इंग्लिश को करी पफ रिशॉल कहते हैं। पढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आपने डीजे स्पीकर पे गाने तो बहुत सुने होंगे, पर क्या आपको पता है कि इन चीजों की शुरुआत और इन स्पीकरों को किसने बनाया? तो दोस्तों, ये जो इन्वेंशन थी एडिसन स्टंबल ने की थी। इसका इन्वेंशन 1 सितंबर 1877 में हुआ था, इसीलिए तो आप आज जी भर के गाने सुन पाते हो। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, जियो दुनिया की अकेली ऐसी कंपनी है जिसमें गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट तीनों ने निवेश किया है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ जियो ही एक ऐसी कंपनी है जो भारत में है। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। किस जानवर का आधार कार्ड बनाया जा सकता है दोस्तों? हाँ, कोआल नाम का एक जानवर है जिसका फिंगरप्रिंट मनुष्य के फिंगरप्रिंट से मेल खाता है, इसीलिए उसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है। खाना कितना मजेदार। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। 1 सितंबर 1939 को ही जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला किया गया था, जिसके बाद से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। आज के ही दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, 1 सितंबर 1962 में। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। 1 सितंबर 1964 में आज के ही दिन इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी का विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। मेघालय के मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सह संस्थापक और लोकसभा अध्यक्ष रह चुके पीए संगमा का जन्मदिन आज के ही दिन 1 सितंबर 1947 में हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। पर फैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले क्यों ना कमेंट सेक्शन का एक क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, तैयार रहे। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, श्री प्रणब मुखर्जी देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक राष्ट्रगान गाने के लिए कितने लोगों को जमा किया जा सकता है? तो दोस्तों, रशिया ने अपने नेशनल एंथम को गाने के लिए 1 सितंबर 2019 के ही दिन सेंट पीटर्सबर्ग के एक हॉल में 8,097 और 40,000 चॉयर्स और 20,000 लोगों को एक ही हॉल में जमा किया और इतने सारे लोगों के द्वारा अपना नेशनल एंथम गवाया। ये सारे लोगों ने मिलकर जब नेशनल एंथम गाया तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी देश के इतने सारे नागरिकों के द्वारा एक ही बार में किसी देश का नेशनल एंथम गाया हो। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अपने राष्ट्र को समर्पित करते हुए इतने बड़े स्तर पर नेशनल एंथम जनगणमन को गाने की कोशिश करें। तो आज हम सभी मिलकर जनगणमन को याद जरूर करें। और आज का जो आखिरी वेट करने वाला जो फैक्ट होता है, हमारा जो डे होता है, आज नेशनल न्यूट्रिशन डे है। वैसे तो हालांकि ये एक वीक होता है, पर आज इसकी शुरुआत है। ये 1 वीक तक चलता है, जिसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है, किससे हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती, कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में इस हफ्ते में हम सीखने को मिलते हैं। तो कैसे लगे आपको आज के फैक्ट? और अगर जो भी हमारे चैनल पे नया जुड़ा है तो वह कमेंट जरूर करें, कंपटीशन में भाग जरूर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपकी ही तरह और भी लोग हमारे इस दुनिया में और फैक्ट की दुनिया में जुड़ सकें। एक बार दोबारा, जो आज की विनर थी, अर्थात 31 अगस्त की जो विनर थी शीतल वर्मा, हम उन्हें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसी के साथ सभी को टाटा बाय, मिलते हैं अपने अगले ऑडियो सेशन में।